अस्सलाम वालेकुम। ये देख रहे हैं कि टमाटर हमने उबालने के लिए रख दिए हैं। ये टमाटर हमारे उबाइल हो गए, ये हम निकाल लेते हैं। ये रात को हमने 2.5 किलो मुर्गे का गोश्त लाए थे, उसमें क्रीम डाली है, हल्का सा उबाइल किया है, थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक का लहसुन इसमें डाला था। ये बॉइल करके हमने रख लिया है, इसका हम बनाएंगे वाइट कोरमा। और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी तो हल्का सा नमक। अब हम इसको ना प्याज के साथ बनाते हैं, आगे घी डाल के प्याज के साथ वाइट कोरमा। प्याज हमने डाल दिए, अब इसमें हम घी डाल लेते हैं। लाइट का मसला था, हमारा मोबाइल जो था ना वो चार्ज नहीं हो सका, इसलिए वो आपको जो गोश्त को बॉइल किया था उसकी वीडियो नहीं दिखा सकती। आधी चमची हल्दी की डालिए, थोड़ा सा पानी डालते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मिर्ची डालने से ना इसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। टमाटर हमने थोड़े से बॉईल किए थे, इसमें डाल रहे हैं, इसका उतार लिया है। थोड़ा सा ये पत्थर जो पहले से गले हुए हैं कुछ उबाले थे, इसका पेस्ट बन जाएगा। देखते हैं, इसे ढक देते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। मसाला से टमाटर हमारे धो चुके हैं, प्याज भी डाल गए हैं, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट हमने थोड़ा सा इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें ऐड करना है, बनाइएगा बहुत मजे की बनेगी। इसमें मैंने काली मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी डाली थी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अगर लाल मिर्ची डाल देते हैं ना वैसा अच्छा बन जाता है। देर से रखते हैं, इतनी देर में हम धनिया काट लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें कलर कितना प्यारा आ गया, इसमें थोड़ा धनिया डाल देते हैं। ये आपका वाइट कोरमा कलर पूरी तैयार हो गया है, आप बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट इसका बना है, और खा के बताइएगा
अगर ये हमारी डिश आपको पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया जी। अब हम इसे उतार लेते हैं।